ये मैंने पनीर से एग बना के इससे बनाई है एग करी। जो लोग टोटली वेजिटेरियन है तो आप इस न्यू कॉन्सेप्ट से पनीर एग करी बना के खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। चलिए इस टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है पनीर से एग करी। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। तो आप इस पनीर एग करी को स्पेशल ओकेज़न पे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। आप इसे रोटी, परांठे, पूरी या चावल के साथ जिससे आपका दिल करे आप इससे खा सकते हो। सच में ये आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए इस यूनिक सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम पनीर। तो इसे हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। इसे क्रश करने के बाद इसमें नमक डाल देना 1/4 चम्मच। इसमें हमने और कोई मसाला नहीं डालना, तो इसे अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, इसके दो पार्ट कर लेने हैं। एक पार्ट को साइड पे रख देना है। तो मैंने इसमें एक पिंच मिला देनी है हल्दी। आप चाहो तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसमें हल्दी इसलिए डाली है कि जो एग में येलो पार्ट होता है ना, सेंटर में योक जो होता है, उस बिल्कुल उसका टच देने के लिए। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। तो जिस प्रकार से एग का जो येलो पार्ट होता है ना योक, उस तरह से हमने इसे बना लेना। आप जितनी भी एग करी बनाना चाहते हो विदाउट एग, एग करी, तो उसी हिसाब से आप पनीर की क्वांटिटी को सेट कर सकते हो। अब ये सारा हमने जो एग का सेंटर पार्ट है वो बना के तैयार कर लिया है। इसे रखते हैं एक साइड पे और जो पनीर हमने एक तरफ रखा था उसे हम ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से करेंगे मैश। और इसमें 2 चम्मच डाल देना है हमने मैदा। आप मैदे की क्वांटिटी अपने पनीर के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अब ये पनीर अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं, तो हमने क्या करना है, एक इतना सा पार्ट लेना है। इसे लेके हाथ के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, इसे फैला के ये जो एग का सेंटर वाला पार्ट हमने बना के तैयार करा है पनीर से, उसे रख देना हमने सेंटर में और इसे अच्छी तरह से कर देना बंद। तो इसे मैदे में हल्का सा कोट करके ना हमने रख लेना एक साइड पे, क्योंकि हम इसे बाद में करेंगे फ्राई। ये सारा जो मैदा लगा है वो हाथ से अच्छी तरह से हमने हटा देना है। तो इसी प्रकार से सारे हम पनीर के एग जो हैं वो बना के तैयार कर लेने हैं। तो अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं जो हमने पनीर के एग बना के रखे हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने रखा हुआ है लो पे। तो हमने इस प्रकार से इसके ऊपर ऑयल डालते हुए इन्हें फ्राई करना है। हमने ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें फ्राई नहीं करना। अगर हम गैस की फ्लेम को हाई पे कर लेंगे तो ये फट भी सकते हैं। ये देखिए, बस इतना हल्का सा इनका कलर चेंज होना चाहिए। निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने सारे जो पनीर के एग बनाए हैं वो फ्राई कर लेने हैं। अब ये सारे पनीर के एग बनके हो चुके हैं तैयार। हमने इन्हें निकाल लेना और गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ। तो मैंने इसे साथ के साथ नैपकिन पेपर के ऊपर रख लिया था, तो अब इसे कट करके देखते हैं। ये देखिए, है ना, बिल्कुल बीच में से एग जैसा लग रहा है। तो हम बना रहे हैं बिना एग के एग करी पनीर के साथ। अब मैंने 2 प्याज लिए हैं, अच्छे से मैंने चॉप कर लिए हैं। और ये लिए हैं 4 लहसुन की कलियां और 1 ले रही हूँ हरी मिर्ची और 2 ले रही हूँ टमाटर। से प्यूरी बना लूँ तो मैंने कढ़ाई लिया, गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन। तो इसमें मैं डाल रही हूँ
सरसों का ऑयल, आप कोई भी ऑयल या घी में जिसमें आपका मन चाहे आप इस सब्जी को बना सकते हो। ये मैंने डाला है एक कड़छी, तो इसमें डाल देने हैं जो चॉप करके प्याज रखे हुए हैं, इन्हें मैं साइड पे डालूंगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच सूखा धनिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से क्रश करके रखा है, और हाफ चम्मच डाल रही हूँ इसमें जीरा, और 10-15 कड़ी पत्ता है वो डाल दूँ इसमें। तो अच्छी तरह से चटने के बाद कड़ी पत्ता के, तो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी प्याज। आप धनिया, जीरा और कड़ी पत्ता अगर प्याज से पहले डालना चाहते हो अलग से तो डाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने प्याज का हल्का सा ही कलर चेंज करना है, तो अब इसमें थोड़े से मसाले डालने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाली है एक चम्मच कसूरी मेथी, इसे मैंने हाथ से क्रश करके डाला है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। किसी भी सब्जी में अगर आप कसूरी मेथी डालते हो तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें डाल रही हूँ अब हल्दी, ये मैंने 1/4 चम्मच डाली है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसमें डाल रही हूँ मैं जो हमने टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन की प्यूरी बना के रखी है। तो ये टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो मैं इसमें डालनी शुरू करती हूँ थोड़े से मसाले। तो मैं हाफ चम्मच डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, हाफ चम्मच डाल रही हूँ गर्म मसाला, और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और 1/4 चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला, और 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इसमें डाल रही हूँ दही, ये मैंने 4 चम्मच लिया, और इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख के दही को डालिए, या फिर आप गैस को बंद भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये दही कई बार फट भी सकता है, और दही जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ चम्मच नमक, या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली अभी तक, आपने नोटिस किया होगा। तो अगर आप इसमें लाल मिर्ची भी डालना चाहते हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ये मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ अब पानी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं, आप जितनी भी ग्रेवी रखना चाहते हो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो इसे ढक के एक बॉयल आने तक पकाएंगे। तो अब मैंने जो पनीर के एग्स बनाए हैं तो उन सभी को काट रही हूँ, काट के रख लूँगी उन्हें। आपने जब भी सब्जी खानी है तो उससे आप 10 मिनट पहले इन्हें ग्रेवी में डालिए। तो आप देख सकते हो कि इस ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया है, और ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी गाढ़ी बन के तैयार हुई है। गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसमें हमने पनीर के जो एग्स बना के रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे। तो अब इसे रख देंगे ढक के 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे करते हैं सर्व। लीजिए, ये पनीर एग करी बनके हो चुकी है तैयार। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो आप इस पनीर एग करी को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।